अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू की चटनी, जो हम डोसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू, जिसे हमने उबाल कर उसका छिलका निकाल दिया है। और बगार के लिए हमें चाहिए ज़ीरा एक टीस्पून, एक आधा टीस्पून रई, एक टेबल स्पून कड़ी पत्ता, एक टीस्पून ज़ीरे की बुकनी और दो छोटे प्याज के डंडे को हमने बारीक काट दिया है, और 10-12 हरी मिर्चियाँ और आधा कप कोतमीर, जिसे हम मिक्सी में डालकर इसको अदरक अदरक पीस देंगे, जो हमें बघार के लिए लगेगा। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा लिया है हमने, और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। सबसे पहले एक पैन में 3 चम्मच तेल डाले, कुकिंग तेल। फिर उसके बाद प्याज डालें, थोड़ी गोल्डन होने के बाद प्याज पे उसमें जीरा डाल देंगे, जो रई रखा था हमने वो डाल देंगे, और फिर कड़ी पत्ता डालें, फिर इसको 2 मिनट तक भूनें। थोड़ी देर तक भूनेंगे, उसके बाद उसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, फिर हरी मिर्ची और कोतमीर। ये हरी मिर्ची और कोतमीर को हमने पीस दिया है, तो थोड़ा एक मिनट हरी मिर्ची कोतमीर हमने डाल दिया है, फिर इसको 1 मिनट तक थोड़ा भूनेंगे, फिर उसमें हल्दी डाल देंगे, तो थोड़ा और 1-1.5 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे 3-4 मिनट तक, इसको मिक्स करेगा, पकने देंगे। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे इसमें, और बाद में ये जो ज़ीरा पाउडर रखा था हमने, वो डाल देंगे। थोड़ा और पानी डालकर, अगर आपको लगे कि आलू पके नहीं, और थोड़ा पानी डालें, और फिर उसके बाद 4-5 मिनट पकने दें, उसके बाद हम इसे सर्व करें। लीजिए, ये अब हमारी आलू की चटनी तैयार है।